इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैप्टर का. ओके, विद दिस आई वेलकम यू टू वीडियो नंबर 4, जहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सीरीज सॉल्यूशन अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट. ओके, यस, ये अपना वीडियो नंबर 4 है. और वीडियो नंबर 5 हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक के बेस में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे बताए हुए स्टेप्स को वहाँ पे फॉलो करेंगे. ओके, और सीरीज के सॉल्यूशन को वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज यहाँ पे हम इसके जो स्टेप्स होने वाले हैं उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ही नहीं बल्कि इस पूरे प्लेलिस्ट को जो है आप उसको शेयर करें. ओके, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट मुझे देते रहें. लेट अस स्टार्ट. द टॉपिक नेम इज सीरीज सॉल्यूशन अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेट द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पी नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो. ओके, जिसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे. ओके, यस, अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट एक्स नॉट बी गिवन एज. क्वेश्चन में जो है आपको एक्स नॉट जो पॉइंट रहेगा वो जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा. ओके, यस, अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट एक्स नॉट बी गिवन एज. ओके, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा उसको हम किस टाइप से इसको लिखेंगे, यस, दैट इज वाई इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इन टू एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन. ओके, यस, आपको क्वेश्चन में जो है एक्स नॉट की वैल्यू दी जाएगी. अगर जीरो है तो हम क्या करेंगे, इसको अपन जीरो पुट करके लेके चलेंगे, वन दिए तो वन पुट करेंगे, माइनस वन दिए तो माइनस वन पुट करेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसे अपन उसको आगे बढ़ाएंगे. ओके, यस, अब इसको अपन जब एक्सपेंड करेंगे, मतलब एन कॉस्ट जीरो टू इन्फिनिटी अपन जब पुट करेंगे तो मुझे जो है इस टाइप का जो है सीरीज मिलेगा. ओके, दैट इज ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये पावर सीरीज का इक्वेशन दिया हुआ है, जिसके सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, वाई इक्वल्स टू दिस और यू कैन से दिस. ओके, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए नॉट ए वन ए टू इसको निकालना है कि नहीं, तो यही सब चीज़ को हम क्या करेंगे, निकालने के लिए कुछ स्टेप्स को अपन यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. ओके, तो उसी को जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यस, थोड़ा सा उसी पे अपन फोकस करते हैं. तो कोएफिशिएंट्स ए वन ए टू ए थ्री आर ऑप्टेन एज फॉलोज. ओके, यहाँ पे हमारे पास ये जो ए वन ए टू ए थ्री प्लस कॉमा डॉट डॉट आर ऑप्टेंड एज फॉलोज. हमको क्या करना है, ए वन ए टू ए थ्री और आगे के जो भी रहेंगे उसको हमको यहाँ पे ऑप्टेंड करना है. कैसे ऑप्टेंड करेंगे, बाय फॉलोइंग दिस, यस. पहले हम क्या करेंगे, देखो, लेट वाई इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इन टू एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन बी द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके, पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, ये जो है जिसको अपन ऊपर में डिस्कस किए थे उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, यस, ऊपर में जो दिया हुआ था सीरीज है ना, जो पावर सीरीज हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी का अपन यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इसको मानते हुए आगे बढ़ेंगे. ओके, लेट वाई इक्वल्स टू दिस बी द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. फाइन, यस, सेकेंड वाला स्टेप देखते हैं, यस, दैट इज डिफ्रेंशिएट वाई. वाई मतलब ये वाला पार्ट, डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस. दो बार मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है. दो बार क्यों, क्यों दो बार करने से मुझे क्या मिलेगा, वाई अपने पास दिया हुआ है, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे वाई डैश मिलेगा और दो बार डिफ्रेंशिएट करने से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे वाई डबल डैश मिलेगा. ओके, तो हमारे पास वाई वाई डैश और वाई डबल डैश की वैल्यू मिली कि नहीं, देन सब्सटीट्यूट, ओके, वाई वाई डैश एंड वाई डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 अपना कौन सा है, जो हमारे पास क्वेश्चन में पावर सीरीज इक्वेशन दिया हुआ था, दैट इज दिस पार्ट. ओके, हम क्या करेंगे, यस, y डबल डैश y डैश और y यहाँ पे हम उसको इक्वेट करेंगे. ओके, सब्सटीट्यूट करेंगे, आई मीन, यस. तो सेकंड वाला स्टेप आपका फॉलो हो गया, ठीक है, अब आगे बढ़ो. शिफ्ट द समेशन इंडेक्स टू ऑप्टेन अ कॉमन पावर ऑफ x इन ईच टर्म. ओके, यस, आप जब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, स्टेप नंबर 2 से जब आगे बढ़ना चालू करोगे, तो आपको मिलेगा कि x के पावर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा होगा. तो उस केस में क्या करेंगे, ओके, उस समय क्या करेंगे, x के कॉमन वैल्यू को अपन वहां पे अटेन ऑप्टेन करने की कोशिश करेंगे. यस, हमारा वहां पे उद्देश्य रहेगा कि हम x के पावर को कॉमन करें. ओके, यस, वी विल ट्राई. ओके, शिफ्ट द समेशन इंडेक्स टू ऑप्टेन अ कॉमन पावर ऑफ x इन ईच टर्म. सभी टर्म में क्या होना चाहिए, x का जो होना चाहिए पावर वो कॉमन होना चाहिए.
ओके ठीक है, उसको हम कैसे करके करने की कोशिश करेंगे, उसको हम देखेंगे जब हम अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब तो वहां पे अपन अच्छे से उसको देखेंगे। यस, फोर्थ पॉइंट इज इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ एक्स टू जीरो टू ऑप्टेन a1, a2 एंड डॉट 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 इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट जो रहेंगे वेरियस पावर्स ऑफ एक्स, ओके एक्स का पावर जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, वहां पे हम इक्वेट करेंगे, किससे, जीरो से इक्वेट करेंगे, जस्ट टू ऑप्टेन द वैल्यू ऑफ a1, a2, a3, a4 डॉट 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 इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। ओके ध्यान रखिएगा ए नॉट के टर्म्स मुझे वहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है। यस, लास्ट में देखो अपना लास्ट स्टेप कौन सा है, सब्सटीट्यूट a1, a2 डॉट 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 इन इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू कौन सा है, यस देख लेते हैं एक बार, ये वाला, ठीक है, ये जो था अपने पास y को समेशन, इसको हमने एक्सपेंड किया था कि नहीं, यस इस वाले फॉर्म में उसको एक्सपेंड कर ली, तो इस वाले इक्वेशन में जो है a1, a2, a3 आगे जो भी रहेगा वो उसको अपन यहाँ पे यस सब्सटीट्यूट करेंगे टू ऑप्टेन द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, जो भी आपको यहाँ पे गिवन पावर सीरीज इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन को मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1, a2, a3 को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इन इक्वेशन नंबर टू। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, आगे के वीडियो में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे हम इस सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए ओके यस सॉल्यूशन को अपन वहाँ पे अचीव करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।